नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। प्लास्टिक के कचरे से बनी स्कूम, रेत से उभरी मिस्र की राजधानी, भारत बीबीसी का सर्वाधिक उपयोगकर्ता, थ्री व्हीलर चलेगा हाइड्रोजन से, बेंगलुरु में पुलिस के पुतले। आइवरी कोस्ट कक्षाओं के निर्माण के लिए प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करता है। अफ्रीका में खुला अपनी तरह का पहला कारखाना। बढ़ता हुआ प्लास्टिक कचरा और पर्याप्त स्कूलों की कमी होना आधुनिक जीवन के संकट हैं, जिनका कई देश सामना कर रहे हैं। अब पश्चिम अफ्रीका की एक फैक्ट्री क्लासरूम बनाने के लिए पुराने प्लास्टिक की चप्पलें और कार के टायरों को ईंटों में बदलकर दोनों से निपटने की कोशिश करेगी। आइवरी कोस्ट में एक कारखाना अफ्रीका में अपनी तरह का पहला होगा और इसका लक्ष्य 2021 तक देश भर में 500 कक्षाओं का निर्माण करने के लिए पर्याप्त प्लास्टिक ईंटों का उत्पादन करना है, जो संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के कोष यूनिसेफ और एक कोलंबियाई सामाजिक उद्यम द्वारा वित्त पोषित है। मिस्र का नया राजधानी शहर सचमुच रेत से उभर रहा है। इस पर खर्च होंगे $300 अरब। एक चीनी कंपनी कहिरा के बाहर एक रेगिस्तान में मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी का निर्माण कर रही है। निर्माण की गति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निर्माण शुरू होने से पहले यहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। इस परियोजना में 386 मीटर ऊंचा आइकॉनिक टावर शामिल होगा, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारत होगा। इसके अलावा इस नए शहर में 19 अन्य इमारतें भी होंगी। इन इमारतों के साथ साथ होंगी निवासी इमारतें और इस शहर को कायरो से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन भी। अचरज की बात यह है कि तेजी से तैयार होने वाले इस शहर का नाम अभी तय होना बाकी है। पूरी दुनिया में बीबीसी का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। तीसरे साल रहा भारत पहले पायदान पर। बीबीसी ने अपने श्रोताओं, दर्शकों और उपयोगकर्ताओं की संख्या बताने वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक लगातार तीसरे साल सारी दुनिया में बीबीसी की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। ग्लोबल ऑडियंस मेजर नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर सप्ताह कितने लोग बीबीसी के कार्यक्रमों को देखते हैं, सुनते हैं या इसकी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं। भारत में बीबीसी के अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं, दर्शकों और पाठकों की संख्या 7,66,00,000 है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इसमें 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समस्त बंधु भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। अब हायड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाला तिपैया वाहन, दुनिया का पहला ऐसा आविष्कार। तेजी से विकसित होने वाली एक कैलिफोर्निया स्थित ई मोबिलिटी कंपनी ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित इलेक्ट्रिक तिपैया वाहन फास्ट माइल का अनावरण किया है। फास्ट माइल में 3 मिनट से भी कम समय में ईंधन भरने का दावा किया गया है और यह 130 मील तक की सीमा प्रदान करता है। वाहन एक मोटर के साथ आता है, जो 20 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, 680 किलोग्राम की पेलोड क्षमता प्रदान करता है। उबड़ खाबड़ सड़क की स्थिति में 9656 किलोमीटर से अधिक के लिए इस वाहन का परीक्षण किया गया है। बेंगलुरु में यातायात की निगरानी करने के लिए वर्दी पहने पुतले मदद करेंगे। जानते हैं क्या है ये योजना। ट्रैफिक नियमों का पालन करने और लेन अनुशासन का पालन करने के लिए मोटर चालकों को सतर्क करने के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस एक और नई पहल लेकर आई है। उन्होंने बेंगलुरु के मुश्किल जंक्शनों पर
200 आदमकद पुतलों को स्थापित किया है। उम्मीद है कि ट्रैफिक पुलिस के वेश में ये पुतले अपराधियों को अपराध करने से रोकेंगे। यह विचार खेतों में पक्षियों को हतोत्साहित करने के लिए बिजुका का उपयोग करने की तर्ज पर है। पुलिस जल्द ही इन पुतलों पर कैमरे लगाने की योजना बना रही है। आपने ब्लू व्हेल के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, वही सबसे बड़ा समुद्री जीव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ब्लू व्हेल का दिल या हार्ट कितना बड़ा होता है? आइए जानते हैं जाते जाते। किसी भी ब्लू व्हेल का हृदय एक कार जितना बड़ा होता है और उसके धड़कने की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी ब्लू व्हेल की हृदय की गति को नापा है और उन्होंने पाया कि ब्लू व्हेल का हृदय 1 मिनट में सिर्फ 2 बार धड़कता है। उम्मीद करता हूँ यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।